रेफरेंस आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बेस्ट फाइल मैनेजर एप्लीकेशन के कुछ खास फीचर्स के बारे में। सो इसके ऊपर दो या तीन वीडियो हो सकते हैं क्योंकि ये जो वीडियो है वो लॉन्ग हो सकता है। ओके सो इस वीडियो में बात करने वाला थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में एप्लीकेशन के, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ खास फीचर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेली यूजेस में और क्या हेल्पफुल चीज़ें हैं जो कि अदर फायर मैनेजर से इस फायर मैनेजर को थोड़ा सा स्पेशल और प्रो बनाती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो फायर मैनेजर है ये है मिक्स फायर एक्सप्लोरर, और ये जो फायर मैनेजर है ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। इस फायर मैनेजर को डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट से या फिर गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका जो लिंक है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ बता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो फाइल मैनेजर ऐप है इसमें आपको ऑल इन वन फीचर्स मिल जाते हैं, प्लस ये जो ऐप है ये 3 MB या फिर उससे भी कम का इसका साइज है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास पुराना एंड्रॉइड फ़ोन भी है या फिर आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस ज़्यादा हाई नहीं है या फिर लो इन हार्डवेयर है तो भी कम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पर भी ये अच्छा चल जाता है, बहुत ही स्मूथ इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ओके, नाउ ये हैवी एप्लीकेशन भी नहीं है, ये बहुत ही तेज़ी से इसका जो ट्रांजिशन है या फिर जो एनिमेशन आप कह सकते हैं या फिर इसका जो परफॉर्मेंस कह सकते हैं वो अच्छे से काम करता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे बहुत इजी इंटरफेस है, प्लस इसको आप ज़्यादा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूँ, देखिए साइड पैनल पर आप जाएंगे, साइड पैनल में आपको सभी आपके फ़ोन के जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होंगे जो कि इस फ़ोन के से कनेक्टेड होंगे वो आपको शो होंगे, और जो भी आपके फ़ोन में कैटेगरी के फाइल्स हैं, अलग अलग टाइप की फाइल्स हैं, वीडियो आर्काइव फाइल्स, एपीके पैकेजेस या फिर ऐप्स हो गए, वो सभी टाइप की फाइल्स आपको इस कैटेगरी वाले सेक्शन पे मिल जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी वाली फाइल्स है उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपको रिसाइकल बिन मिल जाता है, तो रिसाइकल बिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें आप जो भी फाइल वगैरह डिलीट करते हैं तो अचानक से कोई फाइल डिलीट हो जाता है तो वो फाइल यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाता है, और इनको आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक माइनस है, माइनस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और एक और बटन है यहाँ पे एडिट का है तो एडिट पे जाएंगे तो आप यहाँ से रीनेम वगैरह कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। ओके, नाउ यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे FTP और ये ऑल फाइल्स भी है। तो FTP क्या है, देखिए FTP इसमें आप कोई भी अदर डिवाइसेस का स्टोरेज आप एक्सेस कर सकते हैं और उनका जो एड्रेस है वो इस तरह से स्टोर हो जाता है। देखिए FTP, और आप इसको नाम दे सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट FTP के नाम से स्टोर हो जाता है, और इसका जो एड्रेस है वो आप नीचे देख सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये मेरे दूसरे डिवाइस का है, दूसरे फ़ोन का जो स्टोरेज है वो मैंने यहाँ पे सेटअप करके रखा हुआ है, तो जब भी मुझे उस फ़ोन का स्टोरेज एक्सेस करना होता है मैं यहाँ पे सिंपल इसको टैप करके फ़ोन को कनेक्ट करके एक्सेस कर पाता हूँ। एंड इसके बाद अगर मुझे कंप्यूटर का भी करना होता है तो कंप्यूटर के लिए भी यहाँ पे मैंने IP एड्रेस जो है सेटअप करे हुए हैं, जिसकी मदद से डायरेक्टली जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव्स है वो एक्सेस हो जाती है। ओके, तो बहुत सारे इसके फीचर्स के बेनिफिट हैं, जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे इसके अलग अलग फीचर्स को तो आपको बहुत सारी ऐसी हेल्पफुल चीज़ें जो कि आपको और अदर फायर मैनेजर ऐप में नहीं मिलेगी, या फिर आपको उन फीचर्स को यूज़ करने के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप को अलग से इंस्टॉल करना होगा। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसमें, वो आपको देखने को मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। नाउ इसके बाद यहाँ पे देखेंगे साइड पैनल में तो आपको एक बुकमार्क ऑप्शन मिल जाता है, बुकमार्क में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे जो भी आपके फोल्डर्स होंगे रिसेंट में वो आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री वगैरह आप देख सकते हैं, ये बुकमार्क्स हैं। ओके, और यहाँ से आप और भी चीज़ें यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑप्शंस में जाएंगे तो इसके फीचर्स और इसके सेटिंग्स वगैरह मिल जाते हैं कुछ, जिनको आप चेंज करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे देखिए अभी ये जो है मैंने इस फ्रंट व्यू को थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया हुआ है अपने अकॉर्डिंग, आप जब इसको डाउनलोड करोगे तो ये जो है इसमें कुछ चीज़ें टॉप पे होंगी, कुछ चीज़ें बॉटम पे होंगी, बट यहाँ पे मैंने नीचे बॉटम पे रखा हुआ है। एंड यहाँ पे एक तो सर्च बार है, सर्च बार के फीचर्स में देखिए आपको क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहला है कि इसमें जो है फिल्टर्स कंटेंट है, मतलब कि आप कोई भी वीडियो फाइल या फिर कहें कोई भी इमेज फाइल ढूंढ रहे हैं तो उसके स्पेसिफिक फाइल के लिए आप फिल्टर डाल सकते हैं, आपको कौन से टाइप का फाइल सर्च करना है देन नाम टाइप करेंगे तो वो जो फाइल डायरेक्टली आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आप कंटेंट्स को किस तरह से सर्च करना चाहते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड्स, रिजिक्स। ओके, सो इस तरह से ये अलग जो फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं सर्च करने के लिए भी। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप, नाउ यहाँ पे ये है कि इसके आपको फाइल जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से दिखाना है। ओके, सो डिटेल्ड अभी ये क्लिक्ड है, आप इससे कर सकते हैं कॉलम, सो इस तरह से आ जाएगा ये। इसके बाद ये मिनिमल है, इसके बाद ग्रेड में टाइप आप कर सकते हैं, ग्रेड टाइप आप फोल्डर शो करना चाहते हैं आप डिटेल्ड पे ही, और ये सही लगता है। इसमें आपको सभी जो फाइल्स है, फाइल का साइज़ है, फोल्डर का साइज़ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो वो आपको डायरेक्टली ये स्क्रीन पर ही दिखा देता है कि कोई भी फोल्डर है उसमें कितने साइज़ का जो फाइल है
वो स्टोर्ड है और कितनी फाइल्स हैं उसमें। ओके, तो ये काफ़ी सही चीज़ है जो कि आपको बार बार जो है फोल्डर का साइज़ है, अगर आपके पास फ़ोन में ज़्यादा फाइल को स्टोर करके रखते हैं तो आपको सभी फाइल्स का जो साइज़ है अगर आप डिलीट कर रहे हैं या फिर मैनेज कर रहे हैं, सो ऑपरेशन जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे आपको बार बार काउंट नहीं करना पड़ेगा, वहाँ यहाँ पे जो फोल्डर के बाहर ही आपको जो फाइल का साइज़ है वो शो हो जाता है। तो ये इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है जो कि आप फाइल मैनेज करने के टाइम पे आप देख सकते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऐड फाइल्स, फोल्डर्स और स्टोरेज। देखिए तीन ऑप्शन है फोल्डर के, तो नॉर्मल फाइल मैनेजर में मिल जाता है, बट जो फाइल है वो फाइल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई भी फाइल टाइप ऐड कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड इसके बाद है स्टोरेज जो कि बहुत कम फाइल मैनेजर में आपको मिलेगा, यहाँ पे कस्टम अप कर सकते हो। इसमें आपको भी लैन स्टोरेज है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, FTP है, फिर SFTP है और कोई भी वेब स्टोरेज जो कि बहुत कम रेयरली लोग यूज़ करते हैं, बट अगर आपके पास कोई वेब स्टोरेज वगैरह है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है इसमें। ओके, सो स्टोरेज के ऑप्शंस इसमें बहुत सारे हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शॉर्टिंग है, फाइल वगैरह शॉर्ट आप कर सकते हैं, टाइप वगैरह और ओके नाउ यहाँ पे साइज़ वगैरह है, नेम वगैरह, सो ये तो नॉर्मल मिल ही जाता है। नेक्स्ट है इसमें देखिए सर्वर, सर्वर में आप देख सकते हैं सर्वर में आपको FTP सर्वर, HTTP, TCP ये भी आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के पार्ट में मैं आपको यूज़ करना दिखाऊंगा कि आप इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इन्हें कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ओके, बिना आप कोई भी फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का यूज़ करें इसी फाइल मैनेजर से डायरेक्टली फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे आपके फ़ोन में ये ऐप है या नहीं भी है तो भी आप इस फाइल मैनेजर की मदद से दूसरे फ़ोन से फाइल एक्सेस कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको जो चीज़ें हैं इसमें वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज, तो इंटरनल स्टोरेज पे आप टैप करोगे तो इसमें आपको टोटल स्टोरेज वगैरह जो मेमोरी है वो प्रॉपर्टीज़ आपको दिखा देगा। एंड यहाँ पे जो भी इसका डिवाइस है, डिटेल टाइप है, SD कार्ड है या फिर उसका जो स्टोरेज का एड्रेस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं टैब्स को मैनेज करने के लिए, जिसके आप देख पा रहे हो ये नेक्स्ट टैब है और इसके बाद आप SD कार्ड वगैरह लगाते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे ये FTP वाला है। ओके, सो इस तरह से इसमें टैब्स जो है आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप जो है 3 डॉट पे, तो 3 डॉट पे इसमें कुछ जो भी इसके टूल्स वगैरह होते हैं और जो मेन फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि टूल्स में आपको और भी ऐड करना चाहें तो ऐड ऑन जो ऐप्स होती है, इसकी छोटी छोटी ऐप्स होती है ऐड ऑन, तो आप वो ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें देखिए डुप्लीकेट फाइल्स है, इनका जो है मैं यूज़ करना आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वर यहाँ पे आप कर सकते हैं और सेटिंग्स में कुछ इसके कुछ बेसिक से फीचर्स हैं और कुछ यहाँ पे मोर सेटिंग्स, सेटिंग्स में आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं और इनके बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ओके, सो इनको हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते। नाउ ये है मेन्यूज, बटन्स वगैरह, इनको आप एडिट कर सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारे फीचर्स हैं, आने वाले वीडियो में मैं आपको इनके जो भी कस्टमाइज वाले और जो भी स्पेशल फीचर्स हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये था इस फार्मेसी का ओवरव्यू कि आपको इस फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, क्या क्या जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और अदर फार्मेसी से ये इस फार्मेसी में क्या जो चीज़ें हैं वो अलग है, जिसकी वजह से आप जो है इस फार्मेसी को यूज़ करके अपनी फाइल्स को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। प्लस अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा फाइल्स हैं या फिर ज़्यादा आप फाइल्स का डेटा ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं या फिर आपके फ़ोन में ज़्यादा डेटा स्टोर रखते हैं तो उन फाइल्स को मैनेज वगैरह करना है, या फिर आप बहुत सारी ऐसी फाइल्स को ओपन करना चाहें क्योंकि नॉर्मली अगर आपके फ़ोन में ओपन नहीं होती हैं या फिर फाइल शेयर वगैरह हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके फ़ोन में आप ज़्यादा करते रहते हैं, तो ये फाइल मैनेजर आप ज़रूर से ट्राई करें। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना मिक्स फाइल मैनेजर के कुछ बेसिक फीचर्स और थोड़ा सा ओवरव्यू वीडियो था ये। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम इसके टोटल डिटेल्स में जाएंगे और जो ये फीचर्स है इसके उसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, यूज़ करके देखेंगे। ओके, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप हम कमेंट जरूर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।